नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डूडी कॉन्सेप्ट में। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ में हमने गोहिलों की जो सिसोदिया शाखा है उसके बारे में पढ़ा, जिसकी सिसोदिया शाखा की शुरुआत किसने की थी, हमीर ने की थी। पिछली क्लास में हमने देखा कि जो मेवाड़ और मारवाड़, मेवाड़ और मारवाड़ के वैवाहिक संबंध देखे थे। मेवाड़ में लाखा लाखा और हंसाबाई, लाखा और हंसाबाई का सहशर्त विवाह देखा था। क्या? सहशर्त विवाह देखा था, जिसमें इसके जो लाखा के जो बेटा था, कौन, चुंडा। चुंडा क्या करता है, शासन शासक न बनकर अपन जो हंसाबाई का जो बेटा कौन, मोक्कल, मोक्कल को क्या बना देता है, मोक्कल को क्या बना देता है, शासक बना देता है। स्वयं सुलुम्बर की जागीर में चला जाता है। फिर हमने देखा था कि जो मेवाड़ है, मेवाड़ में सामंतों की तीन श्रेणियां थी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में 16, जिन्हें क्या कहते थे, उमराव कहते थे। द्वितीय श्रेणी में 32 और तीसरी श्रेणी में कितने थे, 100 से अधिक थे, जिन्हें क्या कहते थे, गोल के सामंत कहते थे। उसके बाद में हमने देखा मोक्कल। तो मोक्कल है, मोक्कल का जो शासनकाल था वो कितने का था, 1421 से लेके 1433। मोक्कल, इसकी माँ हंसाबाई, पिता कौन थे, लाखा। इसका जो संरक्षक बना था, पहला जो संरक्षक बना था वो तो कौन बना था, चुंडा। जो हंसाबाई थी वो अविश्वास या संशय की दृष्टि से देखती थी, तो छोड़कर कहाँ चला गया था, चुंडा छोड़कर कहाँ चला गया था, छोड़कर चुंडा मालवा चला गया था हुसैन शाह के पास। और फिर ये क्या है, हंसा दूसरा संरक्षक बनाती है। किसे? दूसरा संरक्षक कौन बनता है, इसका मामा, कौन, रडमल। मामा रडमल को बनाती है। जब मामा रडमल शासक बन जाता है, उसके बाद में रामपुरा का युद्ध होता है। रामपुरा का युद्ध होता है कहाँ पर, रामपुरा, भीलवाड़ा। कब रामपुरा का युद्ध होता है, 1428 में। 1428 में किसके मध्य, मोक्कल और जो फिरोज खान नागौर है उसके मध्य होता है, जिसमें क्या है, मोक्कल जीतता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि 1433 में, 1433 में गुजरात का एक शासक होता है, कौन, गुजरात का शासक है जिसका नाम था अहमद शाह। गुजरात का शासक कौन था, अहमद शाह, क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। अहमद शाह क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है, आक्रमण कर देता है। जब अहमद शाह आक्रमण कर देता है, तो इस आक्रमण का फायदा उठाकर झीलवाड़ा नामक, झीलवाड़ा नामक जो कि कहां पर है, राजसमंद में, झीलवाड़ा राजसमंद में चाचा मेरा और महापवार क्या कर देते हैं, मोकल की हत्या कर देते हैं। मेरा और महापवार ये इसकी हत्या कर देते हैं। अहमद शाह है, अहमद शाह का मुकाबला कौन करती है, कमलावती। कमलावती जो कि क्या थी, मोकल की क्या थी, पत्नी थी। मोकल की क्या थी, पत्नी थी। अब मोकल की हत्या हो जाती है, मोकल की हत्या हो जाती है, तो मोकल के बाद में जो राजा बनता है वो कौन बनता है। मोकल की हत्या कब होती है, 1433 में। मोकल की हत्या होती है, मोकल की हत्या होती है 1433 में। मोकल की हत्या के बाद में शासक कौन बनता है, कुंभा। कुंभा 1433 से लेके 64 तक किसका शासनकाल रहता है, कुंभा का। कुंभा का जो शासनकाल है, सबसे पहले हम देखते हैं कुंभा के पिता, पिता का नाम मोकल, माता का नाम क्या था, सौभाग्यवती था। इसका जो संरक्षक था वो कौन था, रडमल को बनाया गया, रडमल है, क्योंकि कुंभा थे वो क्या थे, छोटे थे, अल्पायु थे, तो संरक्षक है वो किसे बनाया गया था, रडमल को बनाया गया था। किसे, रडमल को बनाया गया था। रडमल की सहायता से इसने अपने पिता के जो हत्यारे थे उनसे क्या लिया, बदला लिया। इसकी जानकारी कौन देता है, पिता की हत्या का बदला लिया, पिता की हत्या का बदला, इसकी जानकारी कौन सा अभिलेख देता है, इसकी जानकारी देता है एक अभिलेख है, पदराड़ा अभिलेख। कौन सा, पदराड़ा, पदराड़ा अभिलेख कब का है, 1433 का, जो कि क्या देता है, इसकी जानकारी देता है। फिर ये जो रडमल है, रडमल ने एक सिसोदिया, सिसोदिया सामंत था, नाम क्या था, राघव देव।
सिसोदिया सामंत राघव देव की क्या करवा देता है ये, सिसोदिया सामंत राघव देव की क्या कर देता है, रणमल हत्या कर देता है। रणमल क्या कर देता है, राघव देव की हत्या कर देता है। और जो रणमल है ये भारमली दासी से कहता है कि वो आने वाले समय में कुंभा की भी हत्या कर देगा, कुंभा की भी हत्या कर देगा। तो जो भारमली है, भारमली कहाँ की थी, भारमली थी मेवाड़ की, अपने जो राज्य के प्रति वफादारी दिखाते हैं। भारमली है वो किसके पास चली जाती है, हंसाबाई के साथ, हंसाबाई के पास चली जाती है। हंसाबाई क्या करती है, फिर जो चुंडा है चुंडा को वापस बुलाती है। और जो भारमली दासी है, भारमली दासी की सहायता से रणमल की क्या करवा दिया जाता है, रणमल की हत्या करवा दी जाती है। रणमल की क्या करवा दी जाती है, हत्या करा दी जाती है। जब रणमल की हत्या करा दी जाती है, रणमल की हत्या हो जाती है, तो इसका बेटा कौन था, जोधा। बेटा जोधा, जोधा का, जोधा भी कहां पर था, मेवाड़ में था। वो क्या, मेवाड़ से भाग जाता है। और कावनी गांव, कौन सा गांव, कावनी गांव, कावनी गांव में क्या लेता है, शरण लेता है। कावनी गांव में क्या लेता है, ये शरण लेता है, कावनी गांव में शरण लेता है 15 साल तक। और इधर ये जो कावनी गांव में शरण लेता है, इधर जो चुंडा था कौन, जब जोधा है वो भाग जाता है, तो चुंडा, चुंडा ने क्या किया, मारवाड़ की राजधानी थी ना, मारवाड़ की राजधानी कौन सी, मारवाड़ की राजधानी, मारवाड़ की राजधानी पे क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। जो चुंडा है वो मारवाड़ की जो राजधानी थी कौन सी, मंडोर, मंडोर पर क्या कर लेता है, अधिकार। जो 15 वर्ष तक क्या रहता है, 15 वर्ष तक मंडोर, मंडोर है वो 15 वर्ष तक राठौड़ों, राठौरों से क्या रहती है, दूर रहती है। फिर हंसाबाई है वो क्या कराती है, एक हंसाबाई संधि कराती है, हंसाबाई क्या कराती है, संधि कराती है। कौन सी कराती है, आवल बावल की संधि, आवल बावल की संधि, आवल बावल की संधि कब कराती है, 1453 में, 1453 में कौन सी आवल बावल की संधि होती है, जिसके तहत क्या होता है कि जो सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। सोजत पाली है वो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा बताती है, साथ ही मंडोर है, मंडोर वो जोधा को वापस दे दिया जाता है, सहसमान वापस दे दिया जाता है। मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में फिर से वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं। जो जोधा थी, जोधा की पुत्री थी श्रृंगार कंवर, श्रृंगार कंवर का विवाह किससे होता है, कुंभा का एक बेटा था, कौन था, रायमल, कुंभा के बेटे रायमल के साथ वैवाहिक संबंध होता है, किसका, रायमल वेड्स श्रृंगार कंवर, ये इनका वैवाहिक संबंध होता है। और मुगल मेवाड़ और मारवाड़ में क्या हो जाती है, फिर से संबंध स्थापित हो जाते हैं, अच्छे प्रेम संबंध स्थापित हो जाते हैं। उसके बाद में एक युद्ध होता है, कौन सा, सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध। एक जो एक शासक है, किसके मध्य बात है, कुंभा वर्सेज, कुंभा वर्सेज महमूद खिलजी, मोहम्मद खिलजी, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध कब होता है, 1437 में, कब होता है, 1437 में क्या होता है, सारंगपुर का युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है, युद्ध के क्या कारण थे, एक तो जो खिलजी, दोनों की क्या थी, साम्राज्यवादी नीति थी। फिर क्या कि मोहम्मद खिलजी है उसने मोकल के हत्यारों को शरण दी थी, और दूसरी ओर इसने तो मोकल के हत्यारों को शरण दी थी, मोकल के हत्यारों को शरण, मुकल के हत्यारों को क्या दी थी, शरण दी थी। इधर कुंभा थे, कुंभा ने क्या किया कि ये जो मोहम्मद खिलजी था, मोहम्मद खिलजी का एक विरोधी था, कौन था, उमर खान, उमर खान,
उमर खान को क्या देता है ये? सर उमर खान की क्या करता है ये? सहायता करता है। उमर खान की सहायता करता है, और उमर खान है वो सारंगपुर पर क्या कर लेता है? अधिकार। ये था इस युद्ध के क्या थे, कारण थे जो सारंगपुर का युद्ध है। इस युद्ध की जीत की खुशी में विजय स्तंभ का क्या होता है? विजय स्तंभ का निर्माण होता है 1440 से लेके 1448 तक। विजय स्तंभ का क्या होता है? निर्माण कार्य होता है। उसके बाद में हम देखते हैं एक नागौर में उत्तराधिकार संघर्ष होता है। कुंभा के समय में नागौर में क्या होता है? उत्तराधिकार संघर्ष होता है। नागौर उत्तराधिकार संघर्ष संघर्ष इसमें फिरोज खान, कौन सा नागौर का, नागौर का कौन था? फिरोज खान था। फिरोज खान का एक भाई था, भाई का क्या नाम था? मुजाहिदीन, मुजाहिद सॉरी, उसका नाम था मुजाहिद खान और शख्स शख्स खान था बेटा, और जो मुजाहिद खान था ये क्या था? भाई। मुजाहिद खान क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। ये शख्स खान ये क्या राजा बनना चाहता था, तो ये किसके पास चला जाता है? शख्स खान कुंभा के पास, कुंभा के पास चला जाता है। कुंभा के पास चला जाता है तो कुंभा क्या करता है कि इसे राजा बना देता है, राजा बना देता है, और कहता है कि जो राजस्व है टैक्स है वो टाइम टू टाइम भेजता रहा कर। लेकिन ये क्या करता है, ये एक शासक होता है, कौन? कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह, कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है। किसके पास चला जाता है? कुतुबुद्दीन शाह के पास। कुंभा को गुस्सा आता है, कुंभा दोनों को पीट देता है, दोनों की संयुक्त सेना को क्या है, कुंभा हरा देता है। फिर एक संधि होती है, कुतुबुद्दीन शाह कुंभा के विरुद्ध एक संधि होती है, हम देखते हैं संधि होती है कुंभा के विरुद्ध, जिसका नाम कौन सा था? चंपानेर की, चंपानेर की संधि होती है। कब? 1456 में। 1456 में क्या होती है? एक संधि होती है। संधि कौन सी थी? चंपानेर की संधि, चंपा नेर की संधि, चंपानेर की संधि किसके मध्य होती है? मालवा प्लस गुजरात, मालवा और गुजरात, मालवा और गुजरात। मालवा का शासक कौन था? मोहम्मद खिलजी। और गुजरात का कौन था? गुजरात का था कुतुबुद्दीन शाह। दोनों मिलके क्या करते हैं? कहते हैं कि हम मेवाड़ को क्या है जीतेंगे, एक तरफ मालवा एक तरफ गुजरात, और जो मेवाड़ को जीतने के बाद में इसके क्या कर लेंगे, दो टुकड़े कर लेंगे, आधा आधा विभाजित कर लेंगे। लेकिन ये जो कुंभा है, कुंभा इनके इनके बीच में एक युद्ध होता है, ये संधि होती है, संधि के बाद में एक युद्ध होता है, कौन सा? बदनोर का। इस संधि के एक साल बाद में 1457 में एक युद्ध होता है बदनोर का, बदनोर का युद्ध होता है। बदनोर के युद्ध में क्या होता है कि जो कुंभा है, कुंभा ने इनकी जो संयुक्त सेना थी, संयुक्त सेना को हराया। बदनोर के युद्ध में इसने जो मालवा और गुजरात की जो संयुक्त सेना थी उसे हराया। साथ ही एक सिरोही का एक शासक था सासमल देवड़ा, सिरोही का शासक कौन था? सासमल देवड़ा। ये जो सासमल देवड़ा था इसे भी कुंभा ने हराया था, कुंभा ने हराया था। यहां तक हमने देखा था कि ये क्या थी, कुंभा की राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक उपलब्धियां थी। अब हम देखेंगे कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कुंभा की सांस्कृतिक
कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां, जिसमें सांस्कृतिक उपलब्धियों में हम पहले क्या देखेंगे, सांस्कृतिक उपलब्धियों में हम सबसे पहले देंगे स्थापत्य कला, स्थापत्य कला। कुंभा को क्या कहते हैं, कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का क्या जनक का जनक कहते हैं, कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहते हैं, क्योंकि कुंभा का जो स्थापत्य कला राजस्थान की राजस्थान की जो स्थापत्य कला उसमें कुंभा का क्या था, एक बहुत बड़ा योगदान था। फिर स्थापत्य कला के अंदर हम देखते हैं कि एक इमारत बनाई थी, सबसे पहले हम देखते हैं विजय स्तंभ के बारे में बताया जाता है कि इसका जो निर्माण है वो 1440 से 1448 के बीच चला था। इसके जो अन्य नाम है, क्या नाम है, एक तो कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तिकला का अजायब घर, गरुड़ ध्वज, भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश, एक क्या है, मूर्तियों का अजायब घर। विजय स्तंभ 1440 से 1448 सारंगपुर विजय के उपलक्ष में कुंभा ने बनवाया था। इसके नाम है कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश और मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं, इसे अजायब घर कहते हैं। यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें, हाइट की बात करें, तो 122 फीट है। इसकी जो चौड़ाई है वो 30 फुट। 9 मंजिला इमारत है। कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश, अजायब घर, हाइट की बात करें तो 122 फुट, चौड़ाई की बात करें तो 30 फुट और 9 मंजिला है। फिर इसकी बात करते हैं, हम देखते हैं कि इसकी जो पांचवी मंजिल है, 9 मंजिला है, आठवीं में कोई मूर्ति नहीं है। पांचवी मंजिल में किनकी मूर्तियां हैं, वास्तुकारों की मूर्तियां हैं। वास्तुकार कौन कौन थे इसके, इसके वास्तुकार थे जेता, पुंजा, पोमा और नापा। वास्तुकार कौन थे, जेता, पुंजा, पोमा और नापा, ये कौन थे इसके वास्तुकार थे, इनकी मूर्तियां हैं। एक तीसरी मंजिल में क्या लिखा हुआ है, नौ बार अल्लाह। कितनी बार लिखा हुआ है, 9 बार अल्लाह लिखा हुआ, किसमें, भाषा कौन सी थी, अरबी भाषा में 9 बार क्या लिखा हुआ है, अल्लाह लिखा हुआ है। 9 मंजिला है, आठवीं मंजिल है, उसमें
कोई मूर्ति नहीं है। पांचवी मंजिल है, उसमें वास्तुकारों की मूर्ति है जिसमें जेता, पुंजा, पामा और नापा की है। तीसरी मंजिल है, उस पे 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ अरबी भाषा में। इसकी जो 9वीं मंजिल थी वो बिजली गिरने से टूट गई थी। बिजली गिरने से टूट गई, जो 9वीं मंजिल थी वो आकाश से बिजली गिरने से क्या हो गई, टूट गई, जिसका फिर महाराणा स्वरूप सिंह है। स्वरूप सिंह क्या करते हैं, इसका पुनर्निर्माण करवाते हैं। 9वीं मंजिल का कौन, स्वरूप सिंह है, वो इसका पुनर्निर्माण करवाते हैं। फिर एक प्रशस्ति थी विजय स्तंभ में, इसके पास में हम एक प्रशस्ति देखते हैं। कौन सी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। विजय स्तंभ के पास में एक प्रशस्ति है जिसका नाम क्या है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कब की है, 1460 की। कब की, 1460 की। लिखा किसने था, अत्रि भट्ट और आलिया भट्ट के पिता महेश भट्ट ने। एक प्रशस्ति पढ़ते हैं, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कब की, 1460। किसने लिखा था, अत्रि भट्ट वह महेश भट्ट। आलिया भट्ट के पिता नहीं थे, बाप और बेटा, ये बाप बेटे थे जिन्होंने क्या लिखा था, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखा था। इस प्रशस्ति में जानकारी मिलती है ये किसकी, जो कुंभा की जो विजय हैं, साहित्य हैं, निर्माण कार्य हैं, और जो कुंभा की जो और जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में क्या है, ये जानकारी देती है। किसके बारे में, मेन मेनली देखा जाए तो कुंभा के बारे में क्या देती है, जानकारी देती है। जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो कुंभा के बारे में क्या देती है, हमें जानकारी देती है, जिसमें कुंभा के निर्माण उपलब्धि आदि के बारे में क्या हमें जानकारी देती है। एक इतिहासकार हुए थे, कौन, इतिहासकार हुए थे जिसका नाम क्या था, जेम्स टोड। जेम्स टोड ने इसकी तुलना किससे की है, जेम्स टोड ने इसकी तुलना की थी कुतुब मीनार से। जेम्स टोड ने इसकी तुलना किससे की थी, कुतुब मीनार से। कुतुब मीनार से। एक इतिहासकार और थे, कौन, एक इतिहासकार और थे रोम के थे, जिनका नाम क्या था, एक रोम के इतिहासकार थे फर्ग्यूसन। कौन, फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन है इसकी, जो रोम में एक टावर है, कौन सा, टॉर्जन टावर। टॉर्जन टावर वो जो विजय स्तंभ है उसकी तुलना किससे करते हैं, टार्जन टावर से करते हैं। कर्नल जेम्स टोड इसकी तुलना कुतुब मीनार से करते हैं, और फर्ग्यूसन है वो इसकी तुलना किससे करते हैं, टार्जन टावर से करते हैं। फिर इस ये जो जो विजय स्तंभ है ये पहली इमारत थी, कौन सी, विजय स्तंभ है जो फर्स्ट इमारत थी जिस पर क्या किया गया था, जिस पर डाक टिकट जारी किया गया। विजय स्तंभ पर पहली एक ऐसी इमारत थी जिस पर क्या किया गया था, डाक टिकट जारी किया गया था। यह प्रतीक विजय स्तंभ है वो प्रतीक चिन्ह के रूप में यूज में लिया जाता है, एक तो राजस्थान पुलिस में, एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी क्या है ये प्रतीक चिन्ह है, और एक है अभिनव वो जो एक संस्थान है किसकी, अभिनव भारत। एक संस्थान है अभिनव, अभिनव भारत जो संस्थान है किसने, वीडी सावरकर ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी अभिनव भारत की, जो उसका क्या ये प्रतीक चिन्ह है, अभिनव भारत जो सभा थी, जो संस्था थी, सॉरी अभिनव भारत जो संस्था थी उसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, महाराष्ट्र में की गई थी। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या था, विजय स्तंभ को बनाया गया था। प्रतीक चिन्ह क्या था, विजय स्तंभ है। तो मोटी मोटी बात करें तो विजय स्तंभ है वो प्रतीक के रूप में, एक तो राजस्थान पुलिस में जो सैनिक जो
सिपाही हैं उनके कंधों पे लगा होता है, यहाँ पे जो बैज लगा होता है वो विजय स्तंभ का होता है, विजय स्तंभ का बैज लगा हुआ आता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हम किताबों के ऊपर देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में है। और एक जो अभिनव भारत जो संस्थान थी उसमें लिया, उसमें ये किया गया है प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या लिया गया। फिर एक प्रशस्ति आती है कीर्ति स्तंभ, एक जो एक आता है कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ की तर्ज पे एक और है, कौन एक वो तो थी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, वो प्रशस्ति थी जो विजय स्तंभ के पास में लगी थी, 1460 की थी। एक इमारत है विजय चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ, ये 7 मंजिला है, विजय स्तंभ 9 मंजिला था, ये 7 मंजिला है। विजय स्तंभ कितने मंजिला है? 7 मंजिला है। इससे जो विजय स्तंभ है ये 7 मंजिला है। 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में कुमार सिंह के शासनकाल में, कुमार सिंह के शासनकाल में बनाया गया था। जैन व्यापारी जीजा शाह ने इसका निर्माण कराया था। किसने कराया था? कीर्ति स्तंभ है जो कि 7 मंजिला है, चित्तौड़ के किले में स्थित है, 7 मंजिला है, चित्तौड़ के किले में स्थित है। और इसका जो निर्माण है वो 12वीं शताब्दी में, निर्माण कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में। जैन व्यापारी था जीजा शाह, कौन? जीजा शाह बघेरवाल। 7 मंजिला है, 12वीं सदी में बना था, 12वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। किसने किया था? जैन व्यापारी था एक, कौन? जीजा शाह। जीजा शाह बघेरवाल, जीजा शाह बघेरवाल ने इसका निर्माण करवाया था। ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है, ये जैन धर्म का है और ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। कीर्ति स्तंभ है ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है, ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। उसके बाद में एक कवि, एक जो लेखक आता है, कौन? कविराज, कविराज श्यामल दास, कौन? कविराज श्यामल दास। कविराज श्यामल दास की एक पुस्तक थी, कौन? वीर विनोद, वीर वीर विनोद। वीर विनोद के अनुसार क्या है कि जो मेवाड़ के जो 84 किले थे, मेवाड़ के 84 किलो में से, 84 किलो में से कुंभा ने कितने किलो का निर्माण कराया था? 32 किलो का निर्माण कराया था। इसीलिए कुंभा को एक उपाधि दी गई थी, कौन सी? हाल गुरु की। मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण है वो किसने कराया था? कुंभा ने कराया था। अब हम एक एक करके जो दुर्ग है, मेन मेन जो दुर्ग है उनके बारे में देखते हैं। तो पहला दुर्ग कौन सा था? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ का निर्माण एक मौर्य शासक था, कौन? मौर्य शासक था, राजा था, कौन था? संप्रति, कौन? संप्रति ने करवाया था, मौर्य राजा संपत्ति ने करवाया था, मौर्य राजा संपत्ति ने करवाया था। इसका पुनर्निर्माण वो किसने कराया था? कुंभा ने। इसका पुनर्निर्माण किसने कराया था? कुंभा ने कराया था। इसका जो वास्तुकार, किले का जो वास्तुकार था वो मंडन था, वास्तुकार था इसका वो कौन था? ये जो कुंभलगढ़ है ये मेवाड़ की क्या थी? कुंभलगढ़ को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा, मेवाड़ की क्या? संकटकालीन राजधानी भी कहा है। या फिर ये एक नाम और दिया गया है कि ये मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का प्रहरी किला भी है। क्या? मेवाड़ या मारवाड़ की सीमा का क्या है कि
प्रहरी किला है, कौन सा? कुंभलगढ़। एक यहां पर फिर से आ जाता है कौन? जेम्स टोड। जेम्स टोड ने विजय स्तंभ की तुलना किससे की थी? कुतुब मीनार से की थी। और जो ये जो कुंभलगढ़ है इसकी तुलना की थी एस्ट्रुकन किले से की है। एस्ट्रुकन किले से की है। किसकी तुलना की है? कुंभलगढ़ की तुलना की है। कुंभलगढ़ की तुलना किससे की है? कुंभलगढ़ की तुलना एस्ट्रुकन से की है। एस्ट्रुकन कहाँ का था? यूरोप का था। यूरोप का किला है। यूरोप में एक किला जिसका नाम क्या है? एस्ट्रुकन। एस्ट्रुकन की तुलना कुंभलगढ़ से की गई है। उसके बाद में एक इसका परकोटा, कुंभलगढ़ का परकोटा कितना? 36 किलोमीटर लंबा है और इसकी जो चौड़ाई है 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। 4 घोड़े एक साथ इस पे दौड़ सकते हैं। ये था कुंभलगढ़। फिर कुंभलगढ़ के बारे में कुछ और भी फैक्ट हैं। कुंभलगढ़ हम देखते हैं कि एक इतिहासकार थे कौन? अबुल फजल। अबुल फजल इसकी हाइट के बारे में कहते हैं कि कुंभलगढ़ है अबुल फजल बताते हैं, नहीं सॉरी, कुंभलगढ़ के अंदर एक जगह है कटारगढ़, एक किला है, कौन सा? कटारगढ़, इमारत है कटारगढ़। कटारगढ़ के बारे में अबुल फजल क्या कहते हैं कि सिर पर जो रखी हुई पगड़ी है, अबुल फजल कहते हैं कि सिर पे रखी हुई पगड़ी है वो कहाँ गिर जाती है? नीचे गिर जाती है। पगड़ी नीचे गिर जाती है। एग्जाम की दृष्टि से ये क्या है? ये फैक्ट, ये लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था ये? अबुल फजल ने कहा था। अबुल फजल ने कहा था। किसके बारे में कहा था? कटारगढ़ के बारे में कहा था। ये जो कटारगढ़ है ये कुंभा का निजावास था। कुंभा का निज आवास था। ये कुंभा का क्या था? पर्सनल कॉटेज था, पर्सनल रूम था। और इसे कटारगढ़ को एक नाम और जाना जाता है, एक नाम से और जाना जाता है, वो क्या है? मेवाड़ की आंख के नाम से भी इसे क्या जाना जाता है? कटारगढ़। कटारगढ़ को के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि सिर पर रखी हुई पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है। और कुंभा का निजावास, कटारगढ़ को कुंभा का निजावास बताया जाता है। इसी कटारगढ़ के पास है ना, उद्धा क्या कर देता है? कुंभा की हत्या कर देता है। वो हम आगे देखेंगे। फिर आगे आगे एक प्रशस्ति है, कौन सी? कुंभलगढ़ प्रशस्ति, जिसकी रचना किसने की थी? महेश भट्ट ने, 1460 की है। कौन सी है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति कब की है? 1460 की है। रचयिता महेश भट्ट। कुंभलगढ़ प्रशस्ति है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या बताया गया है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कुंभा के बारे में दो बात कही गई है। एक तो धर्म व पवित्रता का अवतार है, दूसरा करण व भोज के समान दानवीर है। कुंभा के बारे में क्या कहा गया है? कुंभा के बारे में कहा गया है कि जो कुंभा है, कुंभा क्या है? धर्म व पवित्रता का अवतार है। धर्म व पवित्रता का अवतार है। धर्म व पवित्रता का अवतार है। दूसरा करण व भोज के समान, करण व भोज के समान दानवीर। करण व भोज के समान क्या है? कुंभा को दानवीर बताया गया। किसमें? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर। उसके बाद में कुंभलगढ़ के बाद में एक किला आता है, कौन सा? अचलगढ़। कौन सा किला आता है? इसके बाद में किला आता है अचलगढ़। अचलगढ़ का किला है वो परमारों के द्वारा बनाया गया था। अचलगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया था? परमारों ने कराया था। 1452 के अंदर कुंभा ने क्या किया था? इसका पुनर्निर्माण किया था।
इसका पहले निर्माण किसने कराया था? पहले परमार शासकों ने, फिर क्या होता है 1452 में कुंभा करवाता है। इसके अंदर अचलगढ़ का जो किला है उसके अंदर क्या है, कुंभा और उसके बेटे उदा की मूर्तियां हैं। कुंभा और उसके बेटा की क्या मूर्तियां हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, सावन भादो कहते हैं। कुंभलगढ़ में, अचलगढ़ में कुंभा वह उसके बेटे उदा की मूर्तियां हैं, इन्हें क्या कहते हैं, सावन भादो। ये भी क्या एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि सावन भादो वो क्या है, सावन भादो क्या है और कहाँ स्थित है, या फिर ऐसे पूछ ले कि कुंभा व उसके बेटे उदा की मूर्तियों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, तो उसे सावन भादो कहते हैं। उसके बाद में अगला किला है अचलगढ़ हो गया। अचलगढ़ का निर्माण परमार शासकों ने किया था। परमार शासकों ने किया था 1442 में, सॉरी 1452 में कुंभा ने क्या किया था, अचलगढ़ का पुनर्निर्माण किया था। कुंभा और उसके बेटे उदा की इसमें मूर्तियाँ लगी हुई हैं, जिसे क्या कहते हैं, सावन भादो कहते हैं। फिर आता है एक किला आता है बसंतगढ़ का किला, वो कहां पर है, सिरोही में। कहां पर है, सिरोही में। एक जाति थी, कौन सी थी, मेर, मेरों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए, मेरों पर नियंत्रण के लिए एक किला बनाया था, कौन सा, मचान दुर्ग। ये कहां बनाया था, सिरोही में। मचान दुर्ग है वो सिरोही में है, किसके लिए बनाया गया था, मेरों पर नियंत्रण रखने के लिए। एक है भोमट का किला, कौन सा, भोमट का किला। ये भोमट का जो किला है ये किसके लिए बनाया था, भीलों पर नियंत्रण के लिए, भीलों पर नियंत्रण के लिए। बसंतगढ़ का किला सिरोही में है, मचान दुर्ग कहाँ पे, सिरोही में है, मेरों पर नियंत्रण के लिए, और भोमट का किला वो कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। ये कुंभा के द्वारा बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण दुर्ग थे। अब कुंभा ने क्या किया था, स्थापत्य कला में हम आगे देखते हैं कि कुंभा ने क्या किया था, मंदिरों का निर्माण कराया था। मंदिर में हम पहला मंदिर देखते हैं कुंभ श्याम मंदिर। क्या, कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर। ये किसको समर्पित है, विष्णु भगवान को। कुंभा ने तीन कुंभ श्याम मंदिर बनाए थे, कौन से तीन, चित्तौड़ के किले में, कुंभलगढ़ में और अचलगढ़ में। कितने हैं, तीन। कुंभलगढ़ में एक कुंभलगढ़ अचलगढ़ और चित्तौड़। कुंभश्याम मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है, कुंभा ने बनाया था कुंभलगढ़ अचलगढ़ और चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। उसके बाद में अगला था श्रृंगार चौरी मंदिर। क्या, अगला मंदिर कौन था, श्रृंगार चौरी मंदिर। इस मंदिर का निर्माण चित्तौड़ में कुंभा का एक जो कुंभा का एक कोषाध्यक्ष था, क्या नाम था, वेल का भंडारी ने इसका निर्माण कराया था। ये क्या था, कुंभा के कोषाध्यक्ष थे। श्रृंगार चौरी, इस संग्रह जो श्रृंगार चौरी है इसको क्या कहते हैं, शांतिनाथ जैन मंदिर,
इसका दूसरा नाम भी है, श्रृंगार चमरी का दूसरा नाम भी है, क्या नाम है? शांतिनाथ जैन मंदिर। कुंभा ने क्या किया था? कुंभा ने कुंभ स्वामी मंदिर बनाया था, शांतिनाथ जैन मंदिर बनवाया था, जिसे श्रृंगार चौंगरी भी कहते हैं। रणकपुर का जो जैन मंदिर है, एक और बड़ा मंदिर बनाया था, कौन सा? रणकपुर का जैन मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर। रणकपुर का जो जैन मंदिर है, उसका निर्माण 1439 में, कब? 1439 में एक जैन व्यापारी था, कौन? जैन व्यापारी था कौन? धरणक शाह। कौन? जैन व्यापारी धरणक शाह। धरणक शाह ने इसका क्या कराया था? निर्माण कराया था। किसने कराया था? धरणक शाह ने इसका क्या, धरणक शाह ने क्या किया था? धरणक शाह कौन था? जैन व्यापारी था, जैन व्यापारी था धनक शाह। रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण कराया, कौन सी नदी के किनारे? मथाई नदी के किनारे, मथाई नदी के किनारे, मथाई नदी के किनारे क्या है? इसका निर्माण कराया। इसके अंदर जो जैन मंदिर है, जैन मंदिर है, इसका जो वास्तुकार की बात करें, इसका जो वास्तुकार कौन था? देपाक। वास्तुकार कौन था इसका? इसका वास्तुकार था देपाक। इससे जो रणकपुर का जैन मंदिर है, इसमें एक चौमुखी मंदिर है, कौन सा? चौमुखी मंदिर। जैन मंदिर है कि चौमुखी मंदिर, रणकपुर का जो जैन मंदिर है, उसमें एक मंदिर है, कौन सा है? चौमुखी मंदिर। चौमुखी मंदिर है, ये चौमुखी जो मंदिर है ये प्रसिद्ध है, ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। इसमें किसकी मूर्ति लगी हुई है? भगवान आदिनाथ की, आदिनाथ की इसमें क्या लगी हुई है? मूर्ति लगी हुई है। साथ ही इसके अंदर 144 खंभे भी हैं, रणकपुर के जो जैन मंदिर है उनमें 144 खंभे भी हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? खंभों का अजायब घर। क्या कहते हैं इसे? खंभों का अजायब घर कहते हैं। जो रणकपुर का जो जैन मंदिर है, रणकपुर का जैन मंदिर 1439 ईस्वी में जैन व्यापारी था धनक शाह, धनक शाह ने मथाई नदी के किनारे करवाया था। रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण है वो जैन व्यापारी धनक शाह ने करवाया था मथाई नदी के किनारे, कब? 1439 में। वास्तुकार की बात करें इसके, तो वास्तुकार कौन थे? देपाक थे। और चौमुखी मंदिर, इसमें क्या एक मंदिर है जिसका नाम, जो कौन सा है? चौमुखी मंदिर है, जो भगवान आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ की इसमें क्या मूर्ति लगी हुई है। रणकपुर के जैन मंदिर में 1444 खंभे हैं, और ये जो खंभे हैं, इसलिए इसे खंभों का अजायब घर कहते हैं। ये जो 1444 खंभे हैं, ये क्या है? इस तरीके से बने हुए हैं कि किसी भी एंगल से देखें तो मंदिर की मूर्ति है वो क्या हमें दिखाई देती है। फिर एक प्रशस्ति आती है, रणकपुर प्रशस्ति, इसी मंदिर के पास एक प्रशस्ति लगी हुई है, कौन सी? रणकपुर प्रशस्ति। ये भी कब की है? 1439 की। रणकपुर प्रशस्ति क्या बताती है? ये बताती है कि जो काल भोज और बापा है, एक कौन? बापा वह काल भोज। रणकपुर प्रशस्ति ये क्या कहती है कि ये दोनों ही क्या, कौन थे? अलग अलग थे, अलग अलग थे। इन बापा और कालबोज को रणकपुर प्रशस्ति है जो कि 1439 की, वो क्या करती है? इन्हें अलग अलग बताती है। क्या बताती है? अलग अलग बताती है। फिर इसमें बताया गया कि मुद्रा है, मुद्रा रणकपुर प्रशस्ति में एक चीज और बताया, मुद्रा के लिए नाणक शब्द का यूज हुआ है। क्या? नाणक शब्द का यूज हुआ है। मुद्रा के लिए कौन से शब्द का यूज हुआ है? नाणक शब्द का उपयोग हुआ है। अब हमने देखा, हमने कुंभा की जो साहित्यिक उपलब्धियां हैं, जो सांस्कृतिक उपलब्धि है, उसमें हमने पहले देखा था स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में हमने किले देखे हैं, मंदिर देखे हैं। अब हम देखते हैं कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों में एक उपलब्धि है, कौन सी? साहित्यिक उपलब्धि। कुंभा की
साहित्य उपलब्धि, साहित्य उपलब्धि में हम देखते हैं कि ये जो कुंभा है, कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था, अच्छा संगीतज्ञ था, वीणा भी अच्छी बजाता था, वीणा वादक भी था। इनकी जो बेटी है वो भी रमाबाई, वो भी क्या थी, अच्छी वीणा वादक थी। कुंभा का जो संगीत गुरु है, संगीत की जो शिक्षा दी थी, संगीत गुरु कौन है कुंभा का? कुंभा का जो संगीत गुरु है वो था सारंग व्यास। कौन था? सारंग व्यास। नहीं, सारंग व्यास या फिर इसका जो संगीत गुरु था वो कौन था? सारंग व्यास था। कुंभा अच्छा संगीतज्ञ था, अच्छी वीणा बजाता था। इनके जो गुरु हैं उसका नाम क्या था? सारंग व्यास था। अब कुंभा ने जो पुस्तकें लिखी थी, कुंभा ने साहित्य लिखा था, पुस्तकें लिखी थी, जिसमें पहली थी सूद प्रबंध, सूद प्रबंधन। पहली पुस्तक कौन थी? सूद नहीं, सुधा प्रबंधन। सुधा प्रबंधन कुंभा की पहली पुस्तक थी, सुधा प्रबंधन। कामराज रतिसार दूसरी कौन सी थी? कामराज रतिसार के कितने भाग हैं? 7 भाग। सूद प्रबंध, कामराज रतिसार, हरि हरि वार्तिका, हरि वार्तिका कौन सी थी? हरि वार्तिका, सुधा प्रबंधन, कामराज रतिसार, हरि वार्तिका, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, संगीत क्रम दीपिका, संगीत करम दीपिका, सुधा प्रबंधन, कामराज रतिसार, हरिपालिका, सुधा संगीत मीमांसा, संगीत करम पालिका, और एक थी वो कौन सी थी? संगीत राज। कौन सी थी? सातवीं पुस्तक थी संगीत राज। संगीत राज है, इसके कितने भाग थे? इसके भी 5 भाग बताए गए हैं। संगीत राज के कौन से 5 भाग बताए गए हैं? पहला भाग पठन रतन कोश, पाठ्य रतन कोश। पहले क्या करो? पाठ्यक्रम है पाठ्य रतन कोश, पाठ्य रतन कोश। संगीत राज के भाग हैं पाठ्य रतन कोश, फिर दूसरा था गीत रतन कोश। पहले पढ़ो फिर गाओ, यानी कि गीत रतन कोश। जब गाना बजेगा तो क्या होगा? डांस भी होगा, तो नृत्य रतन कोश। और जब डांस होगा तो डांस करने के लिए क्या चाहिए? वाद्य, वाद्य रतन कोश। और जब ये सब होंगे तो क्या होगी? रस की आहुति होगी, परमानंद, यानी कि रस की प्राप्ति होगी। संगीत राज है, संगीत राज के कितने भाग है? 5 भाग है। पाठ्य रतन कोश, गीत रतन कोश, नृत्य रतन कोश, वाद्य रतन कोश और रस रतन कोश। कुंभा की 7 पुस्तकें थी, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, हरि वार्तिका, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत करम दीपिका, संगीत राज। संगीत राज के 5 भाग थे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो किताबें हैं ना एग्जाम में पूछ लेते हैं। एकाध जो पुस्तक है वो क्या हो रहती रहती है, एकाध बुक है वो रिपीट होती रहती है, रिपीट होती रहती है।
एकाध पुस्तक वो क्या मतलब एग्जामों में क्या होती है, रिपीट होती रहती है। या तो ऐसे पूछ रहे थे कामराज के कितने भाग थे, या फिर जो संगीतराज है संगीतराज के कितने भाग थे, या फिर जो इनमें से ऑप्शन दे देते हैं कि निम्न में से संगीतराज का भाग है वो कौन सा नहीं था। तो पुस्तक कौन से थे, सुधा प्रबंध, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार जिसके 7 भाग थे, हरि हरिवार्तिका, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत करमदीपिका और संगीतराज। संगीतराज के 5 भाग, पहले पढ़ो यानी कि पाठ्य, फिर गीत गाओ, फिर नृत्य करो, नृत्य करने के बाद में वाद्य यंत्र चाहिए और उसके बाद में क्या है रस की आहुति होगी। फिर कुंभा ने, कुंभा की कुछ टीकाएं भी हैं, कुंभा के ऊपर कुछ जो लेख जो रचित इतिहासकार थे या हम उन्हें लेखक बोल सकते हैं, या फिर कुछ साहित्यकार थे जिन्होंने क्या लिखी थी कुंभा के ऊपर, कुंभा पर टीका टीकाएं टीकाएं लिखी थी। अब जो टीका है, एक है भाष्य और एक टीका। टीका का अर्थ है कि कोई जो बड़ी पुस्तक है उसका छोटा रूप, बड़ी पुस्तक है उसका छोटा रूप, ये क्या टीका, पुस्तक का छोटा रूप। और भाष्य क्या है, टफ टफ टू इजी, कठिन से सरल की ओर है, वो तो क्या है भाष्य है। और टीका वो क्या है, बड़ी बुक का क्या है छोटा रूप है। अब एक है गीत गोविंद, गीत गोविंद पुस्तक है जिसका नाम क्या, गीत गोविंद है जिसके रचयिता कौन थे, जयदेव थे। तो पहली कौन सी आती है, गीत गोविंद, इसके जो राइटर थे वो कौन थे, जयदेव। ये जो गीत गोविंद है इस पे रसिक प्रिया नाम से क्या लिखी थी कुंभा ने टीका लिखी थी, रसिक प्रिया नाम से क्या लिखी थी इस पे टीका लिखी थी। फिर दूसरी थी संगीत रचनाकर, संगीत दूसरी कौन सी थी, संगीत रत्नाकर शुद्ध सारंगधर की, संगीत रत्नाकर किसकी, सारंगधर की, किसकी थी, सारंगधर की, संगीत रत्नाकर थी। एक थी चंडी शतक, चंडी शतक किसकी थी, बाण भट्ट की। हमने देखा कि कुंभा के ऊपर टीका लिखी गई थी, गीत गोविंद की टीका किसने लिखी थी, जयदेव ने, और ये जो गीत गोविंद की टीका है इस पर कुंभा ने कौन सी लिखी थी, रसिक प्रिया। संगीत रत्नाकर सारंगधर ने लिखी थी, चंडी शतक है वो किसने लिखी थी, बाण भट्ट ने लिखी थी। कुंभा एक अच्छा लेखक था, कुंभा क्या है कि अच्छा लेखक था। कुंभा ने क्या किया, कुंभा ने नाटक भी लिखे, कुंभा ने 5 नाटक लिखे, पांचों नाटक है वो अलग अलग भाषाओं में लिखे थे, 5 नाटक। नाटक कौन कौन से हैं, पहला नाटक था उसका अतुल अतुल चातुरी, अतुल्य अतुल्य चातुरी, अतुल्य चातुरी, अतुल्य चातुरी की भाषा कौन सी थी, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। क्या, अतुल्य चातुरी किस भाषा में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में। एक था मुरारी संगति, मुरारी संगति, मुरारी जो संगति है वो किस में लिखा गया था, कन्नड़ में, मुरारी संगति लिखा गया था कन्नड़ में। उसके बाद में था निधि वर्त, 4 नाटक लिखे थे सूर्य कुमार ने, कितने लिखे थे, 4 नाटक। एक लिखा था कौन सा, निधि निधिनी वर्त, निधिनी वर्ती, नी नाम भी कितने अजीब है, निधिनी, या फिर निधि नंदिनी, सॉरी नंदिनी वर्ती, नंदिनी वर्ती, ये किस भाषा में लिखा गया था, मराठी में, किसमें, मराठी में। और एक नई मेवाड़ी भाषा, मारवाड़ी, ये कहाँ, मेवाड़ी भाषा में एक लिखा था रस नंदिनी, कौन सी, रस नंदिनी, किसमें, मेवाड़ी में, मेवाड़ी में। कुमार ने 4 नाटक लिखे थे
अतुल चातुरी संस्कृत में, मुरारी संगति कन्नड़ में, नंदनीवर्ती मराठी में, और रस नंदिनी है वो किस में लिखा था, मेवाड़ी में लिखा था। कुंभा की टीका लिखी गई थी, गीत गोविंद की टीका जयदेव ने लिखी थी, जिस पर रसिक प्रिया बनाई थी, संगीत रत्नाकर सारंगधर ने, चंडी शतक बाणभट्ट में। फिर नाटक, चार नाटक थे, अतुल्य चातुरी संस्कृत में, मुरारी संगत कन्नड़ में, नंदनीवर्ती मराठी में, रस नंदिनी है वो मेवाड़ी में। फिर हम देखते हैं कि कुंभा के दरबार में कुछ दरबारी विद्वान भी थे, कौन थे दरबारी? विद्वान कौन थे? दरबारी विद्वान, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। हमने अब तक क्या देखा था? हमने देखा था कि कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, सांस्कृतिक उपलब्धियों में हमने देखा था स्थापत्य कला, जिसमें कुंभा ने किसका निर्माण करा था, विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। फिर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति देखी थी हमने, कीर्ति स्तंभ के बारे में देखा था। फिर दुर्गों में हमने देखा था कुंभलगढ़ के बारे में, असलगढ़ के बारे में, बसंतगढ़ दुर्ग, भोमड़ दुर्ग, इनके बारे में देखा था। एक मचान दुर्ग के बारे में देखा था। मंदिर बनाए थे कुंभा ने, कुंभा ने कौन कौन से मंदिर? कुंभ स्वामी मंदिर, शांति का जो शांति जैन मंदिर जो कि श्रृंगार चौरी के नाम से जाना जाता है, रणकपुर का जैन मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर देखा था, एक रणकपुर प्रशस्ति देखी थी। उसके बाद में हमने देखा था कुंभा की साहित्य, साहित्य में कुंभा क्या है, संगीत का अच्छा संगीतकार था, तो उसने साहित्य के ऊपर जो हमने उसे उसका जो संगीत गुरु था वो कौन था? सारंगधर था, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, हरिवर्तिका, सुधा प्रबंध, संगीत मीमांसा, संगीत कर्मदीपिका, और संगीत कर्मदीपिका, और उसके बाद में एक संगीत राज, जिसके कितने थे? पांच भाग थे, पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, और अंतिम कौन था? रस रत्न कोश। उसके बाद में हम टीका देखी थी, गीत गोविंद की टीका जयदेव ने लिखी थी, संगीत रत्नाकर सारंगधर ने लिखा था, चंडी शतक वो बाणभट्ट ने लिखा था। नाटक, चार नाटक थे, चार लैंग्वेज में, कन्नड़ मराठी संस्कृत और मेवाड़ी के अंदर, जिसमें अतुल्य चातुराई है संस्कृत में लिखा था, मुरारी संगति है वो किस में लिखा था? कन्नड़ में लिखा था, नंदिनी वर्ती का मराठी में लिखा था, और रस नंदिनी है वो मेवाड़ी में लिखा था। हमने यहाँ तक पढ़ा, आगे हम पढ़ेंगे कुंभा के दरबारी, वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम सा खम्मा घणी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।